हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेट्स, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आइए हम लोग देखते हैं आज लेबनान एक्सप्लोजन के बारे में। आज का क्लास हमारा लेबनान एक्सप्लोजन के बारे में, तो देखते हैं लेबनान एक्सप्लोजन क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे लेबनान एक्सप्लोजन में। ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी था नहीं, तो इसके इसके ऊपर सोचना और विचार करना काफ़ी ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। लेबनान एक्सप्लोजन हमारा हुआ 4 तारीख को, आपको पता है 4 तारीख को आफ्टरनून में हुआ एक्सप्लोजन, ठीक है। और एक्सप्लोजन कहाँ हुआ, तो ये है पोर्ट वहाँ पे लेबनान, देखो यहाँ पे बेरूत है एक जगह, ये इसका कैपिटल है बेरूत जगह में, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। तो आप इसको मैप में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। तो ये सेंट्रल पोर्ट था और ये सिटी एरिया था, समझ में आई बात है। तो और आपको ने इंटरनेट पे काफ़ी इसका वीडियो देखा होगा, काफ़ी वायरल वीडियो आया है, तो उससे पता चलता है कि 2 एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, बैक टू बैक। फर्स्ट वाला एक्सप्लोजन के जस्ट थोड़ा देर बाद ही सेकेंड वाला एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। जो फर्स्ट वाला एक्सप्लोजन से थोड़ा सा बड़ा था सेकेंड वाला एक्सप्लोजन, देखते हैं इसका क्या फैक्टर रहा। तो हाउ पावरफुल वाज द एक्सप्लोजन, कितना पावरफुल था, 10 किलोमीटर तक ये एरिया को अफेक्ट किया इसने, और ये 3.3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के इक्विवेलेंट था। देखिए समझ में आई बात है, ये 10 किलोमीटर 3.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बराबर था। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ना, उनका घर भी अफेक्ट हुआ, उनके घर का कांच वगैरह थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, ठीक है, बट वहाँ पे कोई इंजरी नहीं हुई। बाकी इसमें जितने लोग मरे हैं वो तो आगे बता ही रहा हूँ, 100 लोग मरे हैं ऑफिशियल फिगर है, और कुछ काउंटिंग जारी है, कुछ लोग मिसिंग भी है। और कुछ नॉइज पोल्यूशन, मतलब इसका जो आवाज़ हुआ इस ब्लास्ट का, वो सेप्रस में देखा गया। देखो सेप्रस इस जगह पे, यहाँ पे अगर बैरूत है तो इसके तिरछे में, ठीक है, तो ये 250 किलोमीटर अहेड है। यहाँ के प्रेसिडेंट ने, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये हमारा बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है जिसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम, समझ में आई बात है। अब देखिए ये हुआ क्यों, तो अमोनियम नाइट्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट आया, तो इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया, ठीक है, और आया तो क्यों आया, इसका क्या बेनिफिट था, क्यों कंट्री ने मंगाया अमोनियम नाइट्रेट। तो हुआ क्यों, हुआ ये कि मालवियन फ्लैग का एक शिप था जो जा रहा था कहाँ, जॉर्जिया टू मोजाम्बिक, उसका वॉयज था जॉर्जिया टू मोजाम्बिक, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा शिप में, शिप चलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होते ही रहता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि इस पोर्ट पे लाके इसे खड़ा कर दिया, बेरूत के पोर्ट पे, ठीक है, बेरूत के पोर्ट पे खड़ा कर दिया। किसे पता था कि आगे जाके ये होने वाला है। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे 100 लोग मर गए, 400 लोग इंजर्ड है, ये ऑफिशियल फिगर है, ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ऑफिशियल फिगर का तो आपको पता ही है कहानी, ठीक है। सेवरल पीपल आर रिपोर्टिंग मिस, कुछ लोग मिसिंग, अभी भी कुछ लोग मिसिंग है। और यहाँ का जो सुप्रीम डिफेंस काउंसिल है, उन्होंने कहा है कि जो इस नेग्लिजेंस में, क्योंकि ये तो कंप्लीट नेग्लिजेंस का केस है ना, तो जो भी नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व है उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ का इकोनॉमिक मिनिस्टर ने कहा कि काफ़ी बैड मैनेजमेंट हुआ और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं एंड प्रोबेबली प्रीवियस गवर्नमेंट, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स मिनिस्टर आ गए तो पॉलिटिक्स हो रहा है, तो ये इन्होंने शायद प्रीवियस गवर्नमेंट को ब्लेम किया है। अब देखिए रीजन बिहाइंड बेरूत ब्लास्ट, अब इसके रीजन, इसके पीछे का क्या था, हाईली एक्सप्लोसिव, अब तो पता चल गया आपको अमोनियम नाइट्रेट हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल था, और ये क्या क्या था, स्टोर किया गया था और सीज किया हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ये जिसका भी था वो उसका कोई मतलब वो उसको नहीं लेके जा रहा था, गवर्नमेंट ने इसे सीज करके रखा था अपने पास, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो इन्होंने सीज करके रखा। सोर्स, अब ये क्या कोई सोर्स ऑफ एक्सप्लोजन क्या हुआ, तो कोई बड़ा सा फायर कहीं से आया वेयर हाउस में, तो उसकी वजह से हुआ, ठीक है। और ये इतना मतलब जब इसका क्लाउड निकला तो ये ऑरेंज क्लाउड था, तो सिटी के लोग ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ऑरेंज क्लाउड हमारे सिटी के ऊपर फ्लोट कर रहा। और देखिए कितना था, 2750 टन, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था वहाँ पे रखा हुआ था। और अमोनियम नाइट्रेट का क्या यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स में, बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है, देखो बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है, हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ठीक है। स्टोर किया हुआ था विदाउट सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर नाम मात्र का होगा, सेफ्टी मेजर थोड़ा सा कोर्ट में सेफ्टी मेजर होता है, बट उस पर कोई ध्यान नहीं दिया हुआ नेग्लिजेंस की वजह से, तो बहुत कम सेफ्टी मेजर था, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि अब सारा अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है, तो देखिए अमोनियम नाइट्रेट क्या 6 सालों से वहाँ पड़ा हुआ था, कितने सालों से, 6 सालों से पड़ा हुआ था, ठीक है। 2013 में इसे शिप से अनलोड करके अपने पास रख लिया था। और ये एक्सप्लोजिव नहीं होता अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन अगर इसमें कुछ कंटामिनेशन मिल जाए, जैसे कुछ सब्सटेंस ऑयल, अगर कुछ और कंटामिनेशन, देन इट बिकम्स एक्सप्लोसिव। पहले ये मतलब नॉर्मल स्टेट में एक्सप्लोसिव नहीं होता, लेकिन अगर इसे कुछ ट्रिगर करे या कुछ इसे बर्निंग मटेरियल मिल जाए, देन इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, ठीक है। और कन्फाइंड स्पेसेज हो गया, कंटामिनेटेड क्या फ्यूल ऑयल या कुछ बर्निंग मटेरियल के साथ अगर कंटामिनेशन हो जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन जाता है, समझ में आई बात है।
अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए इसका कॉमन कॉमन इंडस्ट्रियल केमिकल है ये, मेनली फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर में यूज होता है, बॉम्ब बनाने में भी यूज होता है, ठीक है, मेन कॉमन इसमें यूज होता है, ये सब आप लोग देख लो। आफ्टर एक्सप्लोजन इट कैन बी, अब इट कैन रिलीज, अब एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, ये टॉक्सिक गैसेस को रिलीज किया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड अमोनिया गैसेस। अब स्ट्रिक्ट रूल था ना यहाँ पे कि कैसे रखना है, कैसे उसको फायर जैसे फायर प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। और देखो जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस पाइप से अमोनिया को ये करें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अब पाइप में जमा नहीं रहना चाहिए ना, इसको हम लोग ड्रेन करते हैं ना, इसको ड्रेन होना चाहिए, ये ब्लैंक होना चाहिए, तभी तो ये मतलब फ्री हो जाए हो पाएगा अमोनियम से, तब यहाँ पे एक्सप्लोजन होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए क्योंकि ये कंट्री आपका लेबनान है ना, जो काफ़ी पहले भी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है, पहले से ही जैसे कोविड 19 से तो पूरा वर्ल्ड का आपको पता है, इकोनॉमिक क्राइसिस में 1975 to 1990 सिविल वार की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो रहा है, डेली पावर कट, मतलब जैसे समझ लीजिए कि अपना गाँव जैसा माहौल है, जो पिछड़ा गाँव है उसका जैसा माहौल है, डेली पावर कट, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे काफ़ी कम है, पब्लिक हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा नहीं है, तो ये कैम से कि ये पहले से ही एक क्राइसिस में चल रहा था, ऊपर से एक और ब्लास्ट एक्सप्लोजन, तो फूड इनसिक्योरिटी यहाँ पे हो गया। ये जो लेबनान कंट्री है ना, बहुत सारा फूड एक्सपोर्ट करता है बाहर से इम्पोर्ट करवाता है, सॉरी मतलब बाहर से वो मंगवाता है, ठीक है, बाकी सारे कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं इनके पास, तो ये इम्पोर्ट करता है, तो इस वजह से ये सारा जो भी फूड आइटम्स है सबको ये पोर्ट में स्टोर करके रखता था। अब यहाँ पे इतना बड़ा ये हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, तो इसका सारा फूड आइटम भी बर्बाद हो गया, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास फूड आइटम का भी स्कार्सिटी हो गया, गवर्नमेंट ने इतना देखो इतना पैसा रिलीज किया यहाँ पे इमरजेंसी फंड के लिए, ठीक है। एक्सप्लोजन हैपेंड, अब देखिए इस पे थोड़ा सा एक पॉलिटिकल फिगर क्या आया कि एक्सप्लोजन 2005 में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का हत्या हो गया था, ठीक है, तो उसका एविडेंस बचाने के लिए वहाँ पे कुछ लोग मीटिंग वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ना उनके हत्या में ये लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे ये ब्लास्ट हो गया, तो पॉलिटिकल लीडर है और उनका अपना बयान है, वो कर रहे हैं उसके सबूत को मिटाने के लिए या फिर उनके अगेंस्ट कुछ भी इस टाइप का ये लोग कर रहे थे। चलो आगे देखते हैं, अब इसमें कैसे कंट्री रिएक्ट किया, बहुत सारे कंट्री ने अलग अलग रिएक्शन दिया, हमारा प्यारा भारत है इसने भी रिएक्शन दिया है, बहुत प्यारा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी बोला है कि हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर यूके का फॉरेन सेक्रेटरी, फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड ईरान ने कुछ मेडिकल हेल्प भी भेजा है, मेडिकल हेल्प और ये, और रसिया ने भी काफ़ी मदद की है, रसिया ने अपना मेडिकल टीम भेजा है। अब देखो यहाँ पे आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन सिविल प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए कमेंट करके, ठीक है, ये कंट्री का ग्रुप है जो ऐसे डिजास्टर में लोग दूसरे कंट्री को सपोर्ट करते हैं, तो इन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प किया, जैसे हाईली ट्रेंड फायर फाइटर्स भेजा, कुछ व्हीकल्स डॉग इक्विप्ड एंड बहुत सारा रेस्क्यू टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम भेजा, तो ये सब इन्होंने हेल्प की है, तो आपको ये बताना है कि यूरोपियन यूनियन सिविल प्रोटेक्शन है इसमें, कमेंट करके आप बताइए कि टोटल कितने कंट्री हैं, ठीक है, और वो कैसे हेल्प करते हैं, मतलब इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्की भी है, कुछ रेस्क्यू टीम भेजा है, मेडिकल स्टाफ भेजे हैं, और टर्की ने ये अच्छा एक स्टेप लिया है कि इसने 400 टन ऑफ ग्रेन भेजा है, 400 टन खाने का कुछ सामान, ग्रेन चावल लाल जो भी है वो वहाँ पर भेजेंगे, सो दैट कि वहाँ का इकोनॉमी है जो सामान जल गया है या बर्बाद हो चुका है, फूड सिक्योरिटी, तो सो दैट कि वो कंट्री थोड़ा सा आगे बढ़ सके। उसके बाद देखिए, और इससे इसका इस कंट्री के बगल में कौन सा कंट्री है, इज़राइल है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप ये देख लो, ये जो अपना लेबनान है ये न्यूज़ में आ गया है, तो इसका ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, किस कंट्री से रिलेटेड है, जैसे सीरिया है बगल में, इज़राइल है, तो इससे इसका क्या रिलेशन है, ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिए, तो साइप्रस है बगल में, तो ये सब है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसराइल और इसका रिलेशन काफ़ी ख़राब है, मतलब लेबनान का बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब तो मतलब बहुत अच्छा नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन सिंस 1949 से ही ख़राब है, तो इसमें क्या बोला कि इसराइल है जो लेबनान का हिजबुल है, हिजबुल मिलिटेंट जिसको अमेरिका ने क्या घोषित कर दिया है, टेररिस्ट घोषित कर दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, उसकी वजह से थोड़ा सा
इन लोगों के बीच में कड़वाहट है, ठीक है, टेंशन है। तो यहाँ पे इसराइल के प्रेसिडेंट ने एक नेतन्याहू जो है मिनिस्टर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने एक अच्छा स्टेप ये लिया है। मतलब इन्होंने ये बोला है कि हम लोग लेबनान के इस डिजास्टर में हम लोग इनके साथ हैं, हम लोग इनका हेल्प करेंगे, बट अगर ये हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा तो वी विल टेक एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन, हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे, लेकिन एज फार एज डिजास्टर इज कंसर्न तो हम उनका हेल्प करेंगे, और मेडिकल टीम और वगैरह सब उन्होंने भेजा भी है उस कंट्री में, लेबनान में हेल्प के लिए। तो फिर हो गया, आज हमारा ये पॉइंट यहीं तक खत्म हो गया। इसमें अगर कोई पॉइंट अगर मेरे से छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम में हम लोग और अच्छा वीडियो बना सकें और अच्छा से इसको प्रिपेयर कर सकें। और कुछ नया पॉइंट आपके मन में है तो बताइए, और जो आपने कुछ सीखा तो अच्छी बात है, आपने टाइम दिया तो सीख लिया। और इसमें थिंग्स टू लर्न, हमारे हमारे जैसे कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को और बाकी सारे कंट्री को इससे क्या सीखने वाली बातें हैं वो यहाँ पे, जैसे इतना सारा एक्सप्लोजिव है, जाहिर सी बात है इतना सारा एक्सप्लोजिव रखा हुआ है तो उसका अच्छा सा मेंटेनेंस, केयर एंड मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस होना चाहिए। पोर्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट शुड हैव अ शार्प लुक, गवर्नमेंट और पोर्ट अथॉरिटी को काफ़ी शार्प लुक होना चाहिए इस टाइप के कार्गो एग्रीमेंट पे कि क्या हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है। फाइनली वी कैन से दैट इट इज अ केस ऑफ प्योर नेग्लिजेंस, ये केस क्या है, प्योर नेग्लिजेंस का केस है, तो इट शुड बी चेक एट द एवरी स्टेप ऑफ ऑपरेशन, एवरी स्टेप ऑफ ऑपरेशन पे इसको चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है जो आपका वैल्यूएबल सजेशन है तो वो आप हमें दे सकते हैं, और आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए सो दैट वी कैन स्ट्रीम ऑनलाइन। हमारा क्लास जब जाता क्लास चलता रहेगा तो उस टाइम हम आपका डाउट क्लियर कर सकें, ठीक है। और आपका सजेशन योर सजेशन इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट वी कैन गेट, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसा वीडियो बनाते रहें। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पर इफ़ यू आर एलिजिबल, और अगर आपको हमारा वीडियो से कुछ अच्छा कंटेंट है तो यू कैन सपोर्ट अस, ठीक है। बाकी का हम लोग ऐसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट सजेशन है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, टेक केयर।